अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज जीरो पीरियड में हम लोग बात कर रहे हैं अतिथि व्याख्याता के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर ने विज्ञापन जारी किया है उसके बारे में। कुछ विषय हैं जिनमें पद रिक्त हैं, उनके लिए अतिथि व्याख्याताओं की आवश्यकता है विभाग को। तो कार्यालय प्राचार्य शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर की तरफ से ये जो विज्ञप्ति है वो प्रकाशित की गई है। इसमें अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के एक पत्र का हवाला दिया गया है और उसके परमिशन के बेसिस पर एक 10/7/2023 का निर्देश है, जिसमें 23-24 सत्र के लिए रिक्त शिक्षक की पदों पर अतिथि व्याख्याताओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जो विषय है उनमें कंप्यूटर साइंस है, मनोविज्ञान है यानी कि साइकोलॉजी है, वनस्पति शास्त्र है, भूगोल है, रसायन शास्त्र है, भौतिकी है। तो कुल मिलाकर के 6 विषय हैं। कंप्यूटर साइंस में एक वैकेंसी है, साइकोलॉजी में भी एक वैकेंसी है, बॉटनी में एक वैकेंसी है, ज्योग्राफी में एक वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 2 है और फिजिक्स में 2 है। इस तरह से कुल 8 वैकेंसी आई हैं। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है संबंधित विषय में आपको स्नातकोत्तर स्तर पर 55% से उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये कि आपको 55% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होना आवश्यक है, परंतु अगर आप अनुसूचित जनजाति या जाति के हैं तो 50% अंक के साथ भी अगर आपने उत्तीर्ण किया होगा तो आपकी एलिजिबिलिटी इसमें आ जाती है। अब आप आवेदन कैसे करेंगे इस पर भी बात कर लें। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 20 जुलाई 2023 है, शाम 5 बजे तक आप आवेदन भेज सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद अगर आप आवेदन भेजते हैं तो आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, लिखा है। आवेदन भेजने के लिए आप 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप पंजीकृत डाक से भेजें, या स्पीड पोस्ट से भेजें, या फिर खुद उपस्थित होकर भी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसमें टीप में यह भी लिखा गया है कि अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेंगे, मतलब इस बेसिस पर आप रेगुलर करने का कोई दावा नहीं कर सकेंगे। इस तरह का कोई अधिमानिक बर्ताव के हकदार भी आप नहीं होंगे। अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय का जो भुगतान होगा वो पर लेक्चर 300 रुपये का होगा, एक लेक्चर का 300 रुपये होगा, जो प्रतिदिन यानी कि एक दिन में 4 पीरियड मान लिया जाए तो 1200 रुपये एक दिन का आपको अधिकतम मिलेगा, अधिकतम 4 पीरियड आप पढ़ा पाएंगे। पूरे महीने भर के हिसाब से अगर आप एक देखें तो उसकी लिमिट है 31,200 रुपये की, ये सीलिंग है। 31,200 रुपये मिलेगा ये नहीं है, आप मैक्सिमम 31,200 रुपये तक की सैलरी ड्रा कर सकते हैं अगर आपको उतना पढ़ाने का मौका मिलता है तो, मतलब आप इसे ये ना समझें कि हर महीने आपको 31,200 रुपये मिलेंगे। अतिथि व्याख्याताओं का चयन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अतिथि व्याख्याता चयन के निर्धारित मापदंड के आधार पर होगा। इसके लिए योग्यता के प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जो शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र हैं वो सबको एक साथ 6 प्रति बनाकर सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जमा करना होगा। अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक भी नहीं माने जाएंगे। ये डॉक्टर अमिताभ बनर्जी प्राचार्य का नीचे हस्ताक्षर है और ये विज्ञापन उनके तरफ से प्रकाशित किया गया है। तो मित्रों, अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं और आप रुचि रखते हैं अध्यापन में, महाविद्यालयीन अध्यापन के लिए, तो ये बेहतर मौका है। आप अगर थोड़े समय के लिए अतिथि व्याख्याता का पद ग्रहण करके अपना जो शौक है पूरा कर सकते हैं और एक कहें कि आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में थोड़ी सी अचीवमेंट ला सकते हैं, एक्सपीरियंस का आपका एक वेटेज भी बन सकता है। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ, आगे आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।